दोस्तों एशिया कप के लिए बांग्लादेश का भी स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम बांग्लादेश का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, साथ ही जानेंगे बांग्लादेश की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस रहने वाली है इस एशिया कप में, और क्या बेस्ट प्लेइंग 11 बांग्लादेश खिलाएगा एशिया कप में, उसकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम पाकिस्तान का स्क्वाड एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले बांग्लादेश के स्क्वाड की बात कर लेते हैं, तो ये है बांग्लादेश का स्क्वाड आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश के इससे पहले जो कैप्टन थे वनडे क्रिकेट में वो तमीम इकबाल थे, लेकिन उनको कुछ इंजरी हुई है इस वजह से उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है कैप्टनसी से, तो साकिब अल हसन को बांग्लादेश का कैप्टन बनाया गया है। ये बांग्लादेश का स्क्वाड है, आप देख सकते हो उसमें लिटन दास, तंजीद हसन, नजीमुल हुसैन, दाऊद हिरदोए, मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, मुस्तफा फिजूर, हसन महमूद, मेहदी हसन, यहाँ पे दो मेहदी हसन है, एक मेहदी हसन मिराज है, एक मेहदी हसन है नशूम अहमद, समीम हुसैन, अफीफ हुसैन, सौरीफुल इस्लाम, इबादत हुसैन और मोहम्मद नाइक। ये 17 मेंबर्स स्क्वाड बांग्लादेश ने अनाउंस किया है एशिया कप के लिए, जैसा कि सभी टीम्स कर रही हैं। तो ये बांग्लादेश का ओवरऑल स्क्वाड है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं बांग्लादेश की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस रहने वाली है इस एशिया कप में। तो सबसे पहले बांग्लादेश की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनकी एक्सपीरियंस स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि साकिब अल हसन एक सीरियस कैंपेनर है, बहुत ही गजब के ऑलराउंडर है, इसके अलावा मेहदी हसन मिराज है जो वो भी एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, अलावा अफीफ हुसैन भी बैटिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हो, बॉलिंग उतनी ज्यादा नहीं करते लेकिन वो भी एक ऑलराउंडर है। तो बेसिकली इनके पास एक बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो ये इनकी एक स्ट्रेंथ रहने वाली है। इसके अलावा इनकी जो दूसरी स्ट्रेंथ रहेगी वो रहने वाली है इनकी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग। इनकी अगर फास्ट बॉलिंग पर नजर डाली जाए तो इनके पास एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, इबादत हुसैन, इसके अलावा सौरीफुल इस्लाम भी है, तो ये भी एक इनकी स्ट्रेंथ रहने वाली है। अब वीकनेस की बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी वीकनेस रहने वाली है वो है इनका मिडिल ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ऑर्डर उतना मजबूत नहीं दिख रहा है, मुशफिकुर रहीम को अगर छोड़ दें तो दाऊद हिरदोए अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो वो नंबर 4 पे हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट में देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा अफीफ हुसैन रहने वाले हैं, मेहदी हसन, मिराज, तो उतना ज्यादा बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा मिडिल ऑर्डर में। दूसरी इनकी जो वीकनेस रहने वाली है वो है इनके पास प्रॉपर फिनिशर नहीं है कोई। अगर देखा जाए तो नंबर 6 पे अफीफ हुसैन खेलेंगे, 7 पे मेहदी हसन मिराज खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गेम को फिनिश करने का, तो ये भी एक कमी खेलने वाली है इनकी टीम को। ये रही इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहेगी एशिया कप में। तो ओपन करते हुए लिटन दास, उनके साथ नजमुल हुसैन संतो नजर आएंगे, 3 नंबर साकिब अल हसन खेलेंगे क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप आपको याद हो 2019 का, उसमें उन्होंने 3 नंबर पे ही बहुत सारे रन बनाए थे, तो 50 ओवर्स क्रिकेट में वो 3 नंबर प्रेफर करते हैं और अब तो कैप्टन भी है। 4 पे हिरदोए आ जाएंगे, 5 पे मुशफिकुर रहीम, 6 पे अफीफ हुसैन, 7 पे मेहदी हसन मिराज, ये बैटिंग होगी, इसमें बैटिंग ऑलराउंडर्स भी इंक्लूड हो गए। अलावा फास्ट बॉलर्स की बात करें तो तस्कीन अहमद, 9वें नंबर पे मुस्तफिजुर रहमान दिख जाएंगे, सौरीफुल इस्लाम और लास्ट में आपको इबादत हुसैन देखने को मिलेंगे, तो ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बांग्लादेश के स्क्वाड में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई चेंजेस करना है प्लेइंग 11 में वो भी आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और क्रिकमैच को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।